शरद पवार की अगुवाई में आप आरजेडी टीएमसी समेत विपक्षी दलों की बड़ी बैठक, बीजेपी ने कसा तंज। बाबा के ढाबा वाले कांता प्रसाद की स्थिति में सुधार, आईसीयू से जनरल वार्ड में हुए शिफ्ट। पीएम मोदी के साथ बैठक में शामिल होंगे गुपकार गठबंधन के नेता, फारूक अब्दुल्ला ने दी जानकारी। कोवैक्सीन तीसरे चरण में ट्रायल में 77.8% प्रभावी, डीसीजीआई की एक्सपर्ट कमेटी ने की समीक्षा। कोरोना से 9 देशों में डेल्टा प्लस वेरिएंट का खौफ, भारत में 22 मरीज, स्वास्थ्य मंत्रालय की 3 राज्यों को भेजी चिट्ठी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह और अब रुक करते हैं खबरों का। पूरे देश में मॉनसून ने दस्तक दे दी है और मानसून की दस्तक के साथ पहाड़ों में लगातार बारिश जारी है। देहरादून चमोली समेत कई जगहों पर भारी बारिश हो रही है। थराली में भी तेज बारिश और आंधी की वजह से कई पेड़ सड़कों पर गिर गए। पेड़ों के गिरने की वजह से बिजली के तार भी गिर गए हैं और बिजली के पोल पर को भी काफी नुकसान पहुंचा है। समस्या के बाद मौसम के ठीक होने पर बिजली विभाग के कर्मचारी अस्त व्यस्त पड़ी लाइनों को ठीक करने के लिए मौके पर पहुंचे। इस संबंध में पावर कॉरपोरेशन के कनिष्ठ अभियंता गजपाल सिंह रावत ने बताया कि हमारे सभी लोग जोर शोर से विद्युत आपूर्ति को बहाल करने में जुटे हुए हैं और जगह जगह सड़कें और रास्ते खराब होने के कारण दिक्कतें आ रही हैं। आगे उन्होंने कहा कि काम के बाद जल्द ही विद्युत आपूर्ति को दोबारा बहाल कर दिया जाएगा। अति ज़्यादा बारिश होने के कारण पूरी लाइनें क्षतिग्रस्त हैं। 33 के भी संभावना है कि शाम तक बहाल हो सकते हैं। नारायणगढ़ पंटी 33 के भी सब स्टेशन तक, बाकी 11 के भी तो बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त है, जिसकी संभावना 2-3 दिन में बन सकती है पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में। अल्मोड़ा में जिलाधिकारी नितिन भदौरिया द्वारा सशर्त अनुमति दिए जाने के बाद आज विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर मंदिर समूह को दर्शनों के लिए खोल दिया गया। कोरोना काल कर्फ्यू के चलते इसे श्रद्धालुओं के लिए बंद रखा गया था। मंदिर प्रबंध समिति और उपजिलाधिकारी के संयुक्त प्रस्ताव के बाद जिलाधिकारी द्वारा ये निर्णय लिया गया है। बता दें कि मंदिर में प्रवेश हेतु आधार कार्ड के आधार पर रजिस्ट्रेशन के बाद ही प्रवेश की अनुमति दी गई है। कोरोना के चलते लंबे समय से बंद पड़ा विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर मंदिर को आज आखिरकार दर्शनों के लिए खोल दिया गया है। हालांकि कोरोना काल के चलते मंदिर के खुलने के बाद एक दिन श्रद्धालुओं की भीड़ नदारद दिखी। फिलहाल मंदिर में केवल दर्शन की ही अनुमति दी गई है। पूरे भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें से भगवान नागेश्वर जी का स्थान आठवां आता है। नागेश्वर द्वारका बनी टोटल मंदिर परिसर में 125 मंदिरों का समूह है। उसमें मुख्यतः तो 5 मंदिर मुख्य हैं जिनमें नित्य पूजा की जाती है। भगवान नागेश्वर जी सर्वप्रथम, भगवान पुष्टि माता, उसके बाद महामृत्युंजय महादेव और केदारनाथ जी, बटुक भैरव, ये यहाँ का पूरा परिक्रमा पथमार्ग है। तो 125 मंदिरों के समूह में 108 शंकर भगवान के शिवलिंग हैं, 17 अन्य देवी देवताओं के मंदिर हैं। भगवान जागेश्वर जी में भक्त लोगों की मनोकामनाओं के लिए कष्ट निवारण, सुख शांति, ऐश्वर्य की। शातिर और कुख्यात बदमाशों के खिलाफ पुलिस की टीम कार्यवाही कर रही है और अब कुख्यात बदमाशों के पल पल की जानकारी पुलिस के पास रहेगी। बता दें कि अब पुलिस को कुख्यात बदमाशों के खिलाफ उनके आपराधिक इतिहास को देखते हुए गैंगस्टर जैसी धाराओं में मुकदमे दर्ज करने में भी आसानी होगी। डीआईजी एसटीएफ नीलेश भरने ने बताया कि किसी भी विवेचना अधिकारी को इससे सहूलियत मिलेगी। कुख्यात अपराधियों का 10 साल का आपराधिक डेटा ऑनलाइन वेबसाइट में डाला जा रहा है। इसे लेकर सभी विवेचना अधिकारियों को निर्देशित भी कर दिया गया है कि वह इस डेटा के जरिए कोर्ट में मजबूती के साथ पैरवी करें, ताकि कुख्यात अपराधियों को आसानी से जमानत न मिल सके। ऐसे कुख्यात बदमाश रहते हैं, उनकी एक डोजियर बनाता है, वॉचलिस्ट बनाता है, जिस पे हम लोग इन पे नजर रखते हैं। इस पे जो है वो इनके वारंट निकालते हैं, एनबीडब्ल्यू गैंगस्टर, इस तरह से जो है बड़ी कार्रवाई हम लोग इनके ऊपर करते हैं। लेकिन फिर भी कई बार जो है ऐसे लोगों पे जो है ये लगातार आदतन बदमाश होते, प्रोफेशनल क्रिमिनल, एक ही प्रकार के क्राइम ये लोग करते हैं, जैसे ड्रग्स रिलेटेड हो
या ट्रैफिकिंग, सेक्स ट्रैफिकिंग या इस तरीके के ऑफेंस जो है ये लगातार करते रहते हैं, तो हम लोग विवेचक यदि कोर्ट में ये उसका पास्ट क्रिमिनल हिस्ट्री अगर सही से हम देते। लालकुआ में एक सिख परिवार द्वारा बिना अनुमति के अवैध रूप से मजार का निर्माण कराया जा रहा है। जैसे ही ये मामला हिंदूवादी नेताओं के संज्ञान में आया तो उन्होंने तुरंत मौके पर पहुंचकर निर्माण पर सख्त कार्यवाही करने और निर्माण को ध्वस्त कराने की मांग की। मामला बढ़ता देख पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंच गए और निर्माण कार्य को प्रशासन ने अपनी मौजूदगी में ध्वस्त करा दिया। साथ ही उन्होंने सिख परिवार को चेतावनी देते हुए हिदायत दी है कि अगर दोबारा बिना अनुमति के किसी तरह का निर्माण कराया गया तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। इस मामले में तहसीलदार नितेश डागर ने बताया कि उन्हें अवैध निर्माण की सूचना मिली थी, जिसके बाद वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने अपनी मौजूदगी में निर्माण कार्य को बंद कराते हुए उसे ध्वस्त करा दिया। यहाँ पे एक अवैध रूप से मजार का निर्माण हो रहा और हम तुरंत यहाँ पहुंचे और पहुंचने के बाद हमने प्रशासन वगैरहों को कहा ये हिंदू बाहुल क्षेत्र है और जहाँ अवैध रूप से एक मजार का निर्माण हो रहा और उस मजार को तुरंत उसका काम रुकवाया जाए, उसको हटाया जाए यहाँ से। और हम प्रशासन ने हमको समय दे रखा है कि हम कुछ देर में उसको हटाने का काम करते हैं और अगर नहीं हटती है तो फिर हम सब लोग जो है आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। हमें सूचना मिली थी कि यहाँ कुछ अवैध अतिक्रमण हो रहा है, तो सूचना पे हम और पुलिस के साथ पूरी टीम के साथ यहाँ पहुँचे। फिर जो अवैध अतिक्रमण पाया गया था उसको तोड़वा दिया गया है। और वर्तमान आगामी 2022 के चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों के बीच चहलकदमी शुरू हो गई है। इसी क्रम में चुनाव से पहले लालकुआं विधानसभा क्षेत्र की जर्जर सड़कों की हालत सुधारने का काम भी शुरू हो गया है। लंबे समय से जिन सड़कों में गड्ढे हो गए थे वो बिल्कुल खस्ता हाल हो गई थी, उन सड़कों को ठीक कराया जा रहा है। इन सड़कों के गड्ढों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। ये काम कई संस्थाओं द्वारा कराया जा रहा है। वहीं इन सड़कों पर बने गड्ढों की मरम्मत के काम से स्थानीय लोग काफी नाराज हैं और लोगों ने इसका विरोध भी करना शुरू कर दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लिंक सड़क के कई गांवों को जोड़ती है। उन्होंने कहा कि सड़क इतनी खराब हो चुकी है कि इस पर वाहन तो क्या, पैदल चलना भी मुश्किल है और यहाँ के लोग बीते लंबे समय से सड़क निर्माण की मांग करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सड़क पुनर्निर्माण की जगह सिर्फ सड़क पर बने गड्ढों को भरने का काम ही किया जा रहा है। कि हाँ जैसे तैसे अच्छे रोड बन जाए, टूटी पड़ी है पूरी रास्ता। बाकी जो लोकल नेता है बीजेपी इसी का अभी जो सरकार में है वो उनका सीधा सीधा कहना है कि रोड सही है, सबको दिख रहा है कि रोड टूटी पड़ी है, उसके बाद भी कह रहे हैं कि नहीं रोड सही है हमारी। ये तो बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा है। बगल का रोड में देखो अच्छी खासी रोड बनी है, हल्ली चौड़ बनी है, हमारी रोड के साथ नाइंसाफी हो रही है। तो का अपमान है, अशोक चक्र अपने मोहनदा है, उनका शहीद मोहनदा यहाँ पर रहते हैं। ये रोड भी देखो टूटी पड़ी पूरी सारी और ये सिर्फ ये बलुआ इसी के लिए आया है कि मतलब खाली जहाँ पर टूटी छोटी छोटी है सिर्फ मरम्मत की जा रही है। इतनी पहाड़ों में कोरोना की नई गाइडलाइन को जारी कर दिया गया है, लेकिन इस गाइडलाइन के तहत पर्यटक स्थलों को लेकर कुछ खास जानकारी नहीं दी गई है। इस वजह से व्यापारियों में खास नाराजगी देखी जा रही है। पर्यटन नगरी मसूरी में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं लेकिन वो मॉल रोड और अपने होटलों में ही कैद होकर रह गए हैं। इस बारे में व्यापार संघ अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश सरकार जहां एक ओर शराब व्यवसायियों को बढ़ावा दे रही है और शराब परोसने वाले स्थानों को 10 बजे तक खुलने की अनुमति दी जा रही है, तो ऐसे में प्रदेश के पर्यटन स्थलों को बंद रखने का कोई औचित्य नहीं है। कोरोना की मार झेल रहे गरीब व्यवसायियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल जहां एक ओर गरीब विरोधी होकर पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं, वहीं प्रदेश की जनता बेरोजगारी और आर्थिक तंगी से जूझ रही है। All the visiting spots are closed. तो कहीं भी जाते हैं तो गेट बंद होता है, इट्स लाइक अ डिसअपॉइंटमेंट। या तो खोलो या मत खोलो, ये हाफ एन आवर का चक्कर क्या है। जय, आप इतनी दूर से आ रहे थे, उम्मीद से आए हुए कि मसूर में आ रहे घूमने, लेकिन उसके बावजूद आप देख रहे हैं कोरोना कर्फ्यू भी काफ़ी चल रहा है, आप दिन में घूमने ले रहे थे, इसके दौरान आप क्या कहना चाहेंगे। कर्फ्यू होना ठीक है लेकिन अगर लॉकडाउन खोल दिया तो खोल दिया अपने स्टेप्स के हिसाब से, लेकिन एक तो होटल्स खुले हुए हैं और आधी सारी दुकानें बंद। देखिए कोरोना के ये दूसरा साल चल रहा है जब कोरोना संक्रमण की लहर पूरे विश्व भर में तबाही मचा रही है और मसूरी के जो आम नागरिक हैं, आम जनमानस है, यहाँ का व्यापारी है,
बड़ा परेशान है। राज्य सरकार द्वारा व्यापारी की सुध नहीं ली जा रही, व्यापारी को परेशान किया जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, हम सुबोध उनियाल जी से तीन प्रश्न पूछ रहे हैं। उन तीन प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न यही है कि अगर पर्यटकों को आवागमन की अनुमति है मसूरी में, उत्तराखंड में, तो उधम सिंह नगर में भूमि से अतिक्रमण हटाने के आदेश के बाद अब राजनीतिक लड़ाई भी तेज होती जा रही है। एक ओर भाजपा विपक्षी दलों को कोर्ट में पीआईएल दायर करने का सीधे सीधे आरोप लगा रही है, तो वहीं विपक्षी दल भी भाजपा सरकार पर गरीबों को उजाड़ने की साजिश का आरोप लगा रही है। इसको लेकर दोनों ही दलों के नेताओं की बैठकों का दौर जारी है। इस पूरे मामले पर पूर्व अनुसूचित मोर्चा मंडल अध्यक्ष महेंद्र कुमार वाल्मीकि ने कहा कि वे न्यायालय का पूरा सम्मान करते हैं और नगलावासी न्यायालय में अपना पक्ष रखेंगे। उन्होंने कहा कि न्यायालय पर उन्हें पूरा विश्वास है और माननीय न्यायालय नगलावासियों के अन्याय नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार भी इस मामले में गंभीर है, क्षेत्रीय विधायक राजेश शुक्ला भी इस पूरे मामले में जोर से लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि क्या कोई भी नया अतिक्रमणकारी नहीं है, सभी लोग कई सालों से बसे हुए हैं और उन्हें जल्दी ही अपने पुराने दस्तावेज कोर्ट में पेश कर अपना पक्ष रखेंगे। देखिए, जो जनहित याचिका लगाई गई है वो जन अहित याचिका लगी है, जनहित के उद्देश्य से नहीं लगी है, और जिसमें हमारे विधायक जी जो हैं उसको पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं कि ये जो है ऐसा ना हो करके, और माननीय उच्च न्यायालय में जो लगा हुआ है तो उसको उच्च न्यायालय का सम्मान करते हुए उनको सारी वस्तु स्थिति से अवगत कराया जाएगा, जिससे कि हम अपने उसमें देखिए कांग्रेस का स्टैंड इसमें राजनीति करने का ही है, क्योंकि अब चुनाव का भी समय आ रहा है, जो पार्टियां अलग अलग आ रही हैं जो इसमें, तो उसमें उसका कोई स्टैंड कामयाब नहीं होगा। कांग्रेस और माननीय तिलकराज बहेड़ जी से कहना चाहूंगा कि उन्होंने अपने अपने कार्यकाल में तो कुछ ऐसा किया नहीं कि जिसकी वो बातें कर सके, और कांग्रेस पूरी तरीके से नाकाम रही है सत्ता चलाने में, सरकार को चलाने में। आज माननीय विधायक जी की अगर मैं बात करूं, माननीय विधायक जी राजेश शुक्ला जी ने यहां पर एकदम कहेंगे विकास की गंगा बहाई है, जिसकी वजह से इन लोगों के हाथ पैर फूले हुए हैं विपक्ष के विरोधियों के। उनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा, इसलिए वो माननीय विधायक राजेश शुक्ला जी को बदनाम कर रहे हैं, सरकार को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। और रही बात नगला को उजाड़ने की या नगला को बचाने की बात करें, तो माननीय तिलकराज बहेड़ जी से मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगा कि रुद्रपुर उनका अपना शहर उजड़ गया। मंगलौर में आबकारी विभाग की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। टीम ने छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में अवैध शराब के जखीरे को बरामद किया है। इसी के साथ शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि 22 अप्रैल को आबकारी विभाग की टीम ने छापेमारी कर थिकी गांव के से भारी मात्रा में नकली शराब बनाने का जखीरा बरामद किया था, पर उस समय मुख्य आरोपी मौके से फरार हो गया था। तभी से आबकारी विभाग की टीम आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी। फिलहाल पकड़े गए तस्कर से पूछताछ जारी है और उसी की निशानदेही पर बाकी के साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 22 अप्रैल को हम लोगों ने खेतकी गांव में एक शराब फैक्ट्री पकड़ी थी और उस दिन ये फरार हो गया था। उसके बाद इसको पकड़ने के लिए कई कोशिश की गई, ये इधर उधर छिपता रहा और बीच में दुर्भाग्य से मुझे भी कोरोना हो गया, जिससे मुझे सेपरेट रहना पड़ा। इसके आने के बाद फिर मैंने इस तरह जांच की और मुहर लगाया कि जब भी कहीं पता लगे। रुड़की के भगवानपुर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना पुलिस ने अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह के दो सदस्यों को 13 चोरी की मोटरसाइकिलों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। बता दें कि घटना का खुलासा भगवानपुर थाने में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सेंथिल अबुदई ने किया है। उन्होंने बताया कि आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। वही एसएसपी ने पुलिस टीम को 2500 का इनाम भी घोषित किया है। उत्तराखंड में एक दिन में कोविड टीकाकरण में नया रिकॉर्ड बना है। सोमवार को प्रदेश भर में 851 केंद्रों में 1.13 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई गई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रदेश में कोविड टीकाकरण का महाअभियान शुरू हुआ था। इस अभियान के तहत अगले 4 दिनों तक प्रदेश में प्रतिदिन 1 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई जाएगी। राज्य प्रतिरक्षक अधिकारी डॉक्टर कुलदीप ने बताया कि महाअभियान के तहत प्रदेश भर में 851 केंद्रों पर टीकाकरण का कार्य चल रहा है। 30 टीकाकरण केंद्र निजी अस्पतालों में संचालित किए जा रहे हैं।
प्रदेश में अब तक 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के करीब 8 लाख लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। उत्तराखंड में बीते 24 घंटों में 8 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई, वहीं 163 नए संक्रमित पाए गए हैं। बात करें स्वस्थ मरीजों की तो अब पिछले 24 घंटों में 323 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। सक्रिय मामले भी अभी 3000 से कम हो गए हैं। कुल संक्रमितों की संख्या इस वक्त 3,38,807 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक सोमवार को 24,725 सैंपल की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि देहरादून जिले में 60 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। उधम सिंह नगर में 26, उत्तरकाशी में 13, अल्मोड़ा में 12, नैनीताल में 11 के अलावा अन्य राज्यों में 10 से नीचे मामले सामने आ रहे हैं। श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र की सभी 205 ग्राम पंचायतों में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। यह कार्य 3 महीनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अपने विधानसभा क्षेत्र में यह पहल की है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक पुस्तकालयों में युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के अलावा कृषि बागवानी, महिलाओं और आम जनमानस के लिए लाभकारी पुस्तकों की व्यवस्था की जाएगी। डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि स्कूलों में चटाई मुफ्त अभियान के संचालन के बाद पुस्तकालय का अभियान शुरू किया गया है। पुस्तकालयों के लिए उन्होंने विधायक निधि से 1 करोड़ रुपए की राशि दी है। ग्राम पंचायत में पुस्तकालय की स्थापना को मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन कर किया जाएगा। समिति में जिला पंचायती राज अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी बतौर सदस्य शामिल किए गए हैं। बजाज शोरूम के मालिक सतविंदर पाल सिंह बजाज की एक नई बाइक CT 110 लॉन्च के मौके पर कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया। सतविंदर पाल सिंह ने बताया कि बाजपुर विधानसभा में कोरोना काल में ऑक्सीजन सिलेंडर की भारी कमी थी, लेकिन कुछ लोगों ने आगे आकर लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराए। इसके साथ ही गांव-गांव जाकर ऑक्सीमीटर और टेम्परेचर गन से लोगों की जांच की और दवाइयां दी। ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए बजाज एजेंसी बाजपुर ने अपने न्यू बाइक CT 110 के लॉन्च के मौके पर लोगों को गिफ्ट देकर सम्मानित किया है। वहीं इंद्रजीत सिंह बंटी ने बजाज सेगमेंट के फीचर और मजबूती के बारे में लोगों को बताया और कहा कि ये बाइक पहले से ज्यादा मजबूत और ज्यादा माइलेज देने में सक्षम है। इस बाइक में बेहतर पिकअप और ज्यादा भार उठाने की भी क्षमता है। लहर आई थी उसमें ऑक्सीजन की और ऑक्सीमीटर की कमी रही और कुछ लोगों ने समाज में आगे बढ़कर बहुत अच्छी सेवा करी और उसके अब समापन जो हो रहा है उसमें भी अब लोग घर घर जाकर जो है ऑक्सीमीटर और उसका लेवल जांच रहे हैं, बुखार का, कोरोना का चेक कर रहे हैं और दवाइयां दे रहे हैं। बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं समाज के लिए। उन लोगों को सम्मानित करने के लिए बजाज के प्रोप्राइटर के तौर पर मैंने उनको सम्मानित करने का। देहरादून में कर्फ्यू में ढील मिलने के बाद सोमवार को बाजार खुल गए। पहले ही दिन सड़कों पर वाहनों की भीड़ को संभालने में पुलिस मस्त नजर आई। यातायात पुलिस के साथ थाना पुलिस को भी सड़कों पर उतरकर पसीना बहाना पड़ा। वहीं स्मार्ट सिटी के तहत हुई सड़कों की खुदाई भी इस वक्त मुसीबत का सबब बनी हुई है। कोविड कर्फ्यू के दौरान सड़कों पर वाहन न के बराबर ही चल रहे थे, इसके चलते यातायात पुलिस को भी कोविड ड्यूटी में लगाना पड़ा। अब जैसे ढील कर्फ्यू में ढील दी गई है तो पुलिस की मुश्किलें भी अब लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। रोशनाबाद नवोदय नगर में प्रशासन द्वारा सील की गई मस्जिद का मामला शांत नहीं हो रहा है। शिवसेना के जिला प्रमुख अशोक शर्मा ने शिवसेना का नाम घसीटे जाने पर नाराजगी जाहिर की है। अशोक शर्मा ने कहा कि मस्जिद प्रकरण में शिवसेना का कोई भी लेना देना नहीं है, अगर कोई भी पार्टी को बदनाम करता है तो उसके खिलाफ पुलिस से शिकायत की जाएगी। ये जो है मस्जिद में जो ये कांड किया है, जो रोशनाबाद ये जो थाना रोशनाबाद के उसमें और जो भी धमसा ये मस्जिद में जो किया है लोगों ने, ये इसमें शिवसेना का कोई हाथ नहीं है। जो भी शिवसेना का आदमी नाम ले रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और शिवसेना कोई भी इसमें एक भी आदमी कोई भी शिवसेना का नहीं गया। शिवसेना जाएगी मैं जवाब करूँगा, शिवसेना बोल रहा हूँ। और अगर मेरे
आदमी कोई भी वहाँ पे गया हुआ है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और इसके सहयोग में पूरा मैं साथ दूंगा। और शिवसेना कोई भी इसमें जो है इस तरीके का कार्य नहीं करती है, और शिवसेना का जो भी कार्य होता है वो शिवसेना जिला प्रमुख के बिना नहीं होगा, और न शिवसेना का कोई आदमी वहाँ पर गया है, और जिसके खिलाफ जो भी गया है उनके खिलाफ कार्य। बाजपुर कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छापा मारकर एक युवक को स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस के हत्थे चढ़े स्मैक तस्कर के पास से करीब 4 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। आरोपी जामिल उर्फ बब्बन कोतवाली बाजपुर के गांव धनसारा का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने NDPC एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए उसे जेल भेज दिया है। सारा से लंबे समय से हमें सूचना मिल रही थी कि यहाँ पर कुछ लड़के अवैध रूप से नशा और ये सब काम करते हैं, तो नियमित चेकिंग के दौरान कल हमने इसमें अभियुक्त को पकड़ा है, जिसके कब्जे से लगभग 4 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। कार्रवाई करके हरिद्वार के नवोदय नगर रोशनाबाद में गुज्जर बस्ती के एक कमरे को वन विभाग का बताकर बजरंग दल ने ताला लगवा दिया, जिसके विरोध में मुस्लिम समाज के लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर शिकायत की। लोगों ने बताया कि हिंदूवादी संगठनों के दबाव में आकर विद्युत विभाग ने बिजली पानी का कनेक्शन काट दिया। इसके बाद भी हमको परेशान करने की नीयत से वन विभाग ने लकड़ियां चोरी करने के आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करा दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि जल्द ही मामले की जांच कराकर ताले को खुलवा दिया जाएगा। वहीं पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष ने बताया कि हमने अधिकारियों से मिलकर अपनी बात उनके समक्ष रखी है, जल्द ही अधिकारी इस मामले में उचित कार्यवाही करेंगे। कह रहे कि SDM साहब से कहूँगा कि निरीक्षण करें। वो मैंने कहा कि जो भाई न्याय होना चाहिए वो होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए। मैं सर व्यक्ति के साथ खड़ी हूँ और हमेशा खड़ी रहूँगी, क्योंकि आप देखो कि ये मेरे सभी लोग अपने परिवार है जालकपुर का। और इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए अब बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।